हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाउज एट ए फेमस तीमो हॉल शॉपिंग। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, ये मैं पहले वीडियो बना ली हुई थी लेकिन जब मैं अपलोड करने लगी तो देखा तो डिलीट हो चुकी हुई थी, तो मैंने थंबनेल बना लिया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा मैंने दोबारा सारी चीज़ें कलेक्ट की और फिर दोबारा से मैंने वीडियो बनाई। क्या मैंने थंबनेल बना लिया तो मैं वीडियो को ज़रूर ही अपलोड दोबारा से बना के करूँगी। अच्छा, ये मैंने स्पाइस जार मंगवाया था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। और ये मैंने बेबी फूड बॉटल मंगवाई थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। जब हमारा बेबी न्यू खाना खाना स्टार्ट होता है इसमें स्मूदीज वगैरह हम बना के दे सकते हैं, और इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बजट फ्रेंडली थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी ये। और ये मैंने नाइफ शार्पनर मंगवाया था, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था और इतना महंगा भी नहीं था। अच्छा, ये ऑनलाइन शॉपिंग का ये फ़ायदा है कि बैठे बैठे घर में चीज़ें आ जाती हैं। और ये है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तीमो से, नॉर्मली मैं अमेजोन से मंगवाती हूँ और इस लिहाज से ये बहुत अच्छी थी सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये मैंने गार्लिक क्रशर मंगवाया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त था, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, उसको मैंने यूज़ भी किया था, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। और ये मैंने शेयर मंगवाई थी, मल्टी फंक्शनल स्टेनलेस स्टील थी और इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। अच्छा, ये 3 in 1 थी, इसे हम वॉलेट भी तोड़ सकते हैं और वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह भी कट कर सकते हैं। और ये मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्रिंकल कटर, इसे हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह कट कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे शौक से नहीं खाते तो ये आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ज़रा स्टाइलिश बेबी स्टाइल में होती है, फिर बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, ये स्टेनलेस स्टील स्लोटेड जो है स्पून था, इसका वुडन जो है हैंडल था और ये भी बहुत ज़बरदस्त था। नॉर्मली पता है स्पून जो इस तरह के होते हैं वो जब हम चीज़ें वगैरह फ्राई करते हैं तो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी चीज़, ये मैंने मंगवाया। और ये वाकई में बहुत अच्छा था, मतलब क्वालिटी वाइज पकड़ने में पता चल रहा था कि ये एक अच्छी चीज़ है, तो ये भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको बाय करें। और ये मैंने बास्केट मंगवाई थी जो अपने किचन के सिंक पे हैंग करने के लिए, लेकिन ये मेरे किचन में फिट नहीं आई थी, लेकिन ये है भी, ये भी काम की एक चीज़ है। और ये आप मंगवाने से पहले लाजमी चेक कर लीजिएगा कि आपके किचन में जो है सिंक का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक ही मंगवाएं। और इसका ये फ़ायदा होता है, इसे मैस क्रिएट नहीं होता है, हम जो भी होता है बचा हुआ खाना वगैरह इसके अंदर फेंक सकते हैं। अच्छा, ये मुझे छोटे छोटे से मिनी मिनी चेंज फोर्क हैं, बहुत ही क्यूट लगे। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह काट के दें और इसके साथ इंटरेस्ट लेंगे और वो खाना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने फ़ौरन से ही ऑर्डर कर लिया। अच्छा, ये मैंने अपने सिंक के लिए भी मंगवाया था, सिंक शेल्फ है और इसमें हम अपने फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो वॉश करके रख सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने मंगवाए थे, अच्छा जी, तो ये मैंने ऑयल अब्सॉर्बिंग फिल्टर पेपर्स मंगवाए थे, ये भी बहुत अच्छे थे और इसके अंदर टोटल 12 थे और साथ उन्होंने टेप भी दी हुई थी जिसके साथ हम इसको लगा के, और ये बड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं और ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और इसको हम हर 1 to 2 week के बाद चेंज कर लेते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया फ़ौरन से। इसके अलावा ये एलुमिनियम फॉइल टेप, और ये हम जैसे बाथरूम में, किचन में और टॉयलेट वगैरह की नीट लुक देने के लिए लगा सकते हैं, और ये वाटर प्रूफ है, अगर इस पर पानी वगैरह भी गिरेगा तो ये अपनी जगह पर सेट रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और ये मैंने ऐसे लगाई और ये बड़े ही नीट और प्यारा लुक आ रहा था। और ये मैंने किचन के लिए जो है ट्रे मंगवाई थी, हम ये इसको सिंक के पास रख सकते हैं और इसके ऊपर अपना सोप डिस्पेंसर और स्पंज वगैरह इतनी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जिससे हमारे किचन में जो लैंडस्केल अक्सर पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं वो नहीं पड़ेंगे। और ये सोप डिस्पेंसर, ये भी मैंने तीमो से ही ऑनलाइन लिया था और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कई लोगों को होता है कि सोप से एलर्जी होती है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है, इसके अंदर हम पानी और सोप को मिक्स करके रख सकते हैं जिससे हमारे हाथ ख़राब नहीं होते। अच्छा जी, ये मैंने लॉन्ड्री स्क्रबिंग बाल मंगवाई थी और ये भी नॉट बैड, अच्छी है, मंगवा लें। इससे ये है कि कपड़ों के साथ जितने भी जो बुरसी होती है, ज़रात से होते हैं, उसके साथ सारे चिपक जाते हैं, जितने बाल वगैरह भी होते हैं इसके साथ ही सारे भी चिपक जाते हैं। और ये मैंने हैंगर मंगवाया था, ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, फोल्डेबल था, ये फोल्ड हो जा वो किसके ऐसे कुछ लुक आती है, और ये भी क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा था और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इस तरह की चीज़ें आई थी कि हमें ऑनलाइन अगर अच्छी मिलती है तो मंगवा लेनी चाहिए, बजाय इसके बाज़ार जाएँ और इतनी चीज़ें बच्चों के साथ ठाक लेके आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नेक्स्ट जो है जी ग्लास हैंग करने के लिए, और इसकी मुझे काफ़ी अर्से तलाश थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये जब मैंने ऑनलाइन देखा तो फोन ही मंगवा लिया, ये किचन में लगा और इसमें ग्लास हैंग हो रही है तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, तो ये भी मैंने एक मंगवाया और मैं कब चलो ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा रहा तो फिर मैं एक और मंगवा लूँगी। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने किचन एक्सटेंशन मंगवाई थी, ये एंटी स्प्लैश रोटेटेबल है, ये भी अच्छी थी, और बस मुझे जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करना पड़ा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और मुझे था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। और ये मैंने चेयर कवर मंगवाए थे, ये भी क्वालिटी वाइज पिन माने इतने अच्छे थे
और ये मेरे चेयर पे बहुत अच्छे से फिट आए थे, और मैंने ये फोर मंगवाए थे और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे, और इनको मैंने 1 वीक से ज़्यादा हो गया था यूज़ करते हुए, इन पर कोई बुर भी नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लाजमी लें। और जैसा मैंने कलर मंगवाया था ये सेम वैसा ही था, जैसा मैंने तस्वीर में देखा था सेम ये वैसा ही था। और ये मैंने टॉयलेट के लिए स्लीपर मंगवाए थे। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि मुझे इस टाइप के चाहिए थे कि जिनके अंदर होल्स ना हो ना, सारे बंद बंद हो आगे से, जब आपके बच्चे न्यू न्यू पॉटी ट्रेनिंग पे होते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप में से किस किस के साथ होता है, जब हम शॉपिंग करते हैं जो अपनी असल चीज़ मंगवानी होती है वो छोड़ के हम बाकी सब मंगवा लेते हैं, बाद में पता चलता है हमें तो ये मंगवाना था। और ये मैंने अपने बेटे के लिए गिटार मंगवाया था, उसको गिटार का आजकल बहुत ज़्यादा ही शौक हो रहा था, तो और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, जितना उसे यूज़ करना उतने में इसकी कीमत पूरी हो जानी है, तो ये भी अच्छा था प्राइस के लिहाज से, नॉट टू मच एक्सपेंसिव। और जो असल में मैंने मंगवाना क्या था ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, वो फिर मैंने दोबारा अगेन पार्सल किया, तो फिर वो मैंने दोबारा से मंगवाए। अच्छा, गिटार को जो है मैं अपने बेटे से ज़्यादा मैंने इंजॉय किया, मैं इसको प्ले करती हूँ, बड़े ही मज़े के जो है उसमें साउंड आ रहे थे। और ये मैंने हैंगर मंगवाया था जो हमारे स्टॉलर और हिजाब वगैरह इसमें हैंग करने के लिए, और ये बहुत कम स्पेस लेते हैं, और ऐसे मेरे तो हेयर बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इसमें समर के जितने भी मेरे स्टॉलर और हिजाब थे वो मैंने सब हैंग कर दिए। और फिर मैंने सोचा कि मुझे एक और मंगवाना चाहिए, क्योंकि जो मेरे विंटर के जितने भी थे स्टॉलर वो अभी मेरे हैंग करने वाले रहते थे, और इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, आई थिंक मेरे स्टॉलर ज़्यादा थे। और ये भी मैंने ऊपर नीचे करके उनको बस एडजस्ट कर लिया। और उसके अलावा ये मैंने कवर मंगवाया था, ये अच्छा जिप, इसके आगे जिप लगी हुई। और ये आपने मंगवाना है तो आप ये एल साइज़ मंगवाएं, जैसे मैक्सी और फ्रॉक्स वगैरह के लिए एल साइज़ ठीक है, एम जो है वो शॉर्ट्स और फ्रॉक्स वगैरह के लिए बेस्ट है। अच्छा, ये मैंने किचन वाल स्टिकर मंगवाया था, और ये भी लग के बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसे तो बिल्कुल दीवार की लुक चेंज हो गई थी। ये भी मैं इंशाल्लाह आप साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या। और नेक्स्ट जो है ये मैंने स्क्रबर मंगवाया था। अच्छा, हम खवातीन को पूरा दिन तो बर्तन धो लेते हैं जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये तो आई थिंक जैसे चौंचला बाजी है, और बस फिर भी ये मैंने मंगवा लिया कि चलो कभी फुर्सत के लम्हात में इसको भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया था ये कार्डिडोर और मेमोरी कार्ड जो मैंने मंगवाया था, और मैंने सोचा भाई अब यूट्यूबर तो बन ही चुके हैं तो क्यों ना ये चीज़ें भी होनी ही चाहिए, और ये इतना ईजी टू यूज़ है, इसको कैरी करना भी इतना आसान है बनस्बत लैपटॉप की, बस आपने इसमें जस्ट मेमोरी कार्ड पुट करना है, और इसके बाद इसको आपने फ़ोन के साथ अपने कनेक्ट करके इसमें जितनी भी आपकी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने के बाद वो आप सेव करके रख सकते हैं, और आई थिंक लैपटॉप की नस्बत ये ज़्यादा इजी है इसको कैरी करना बहुत। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और असल में जो मैंने चीज़ें मंगवानी थी वो मैं भूल गई, ये सब मैंने मंगवा ली। अच्छा, हम खवातीन के साथ एक ये बड़ा मसला होता है कि हम जब चीज़ें मंगवाते हैं तो हमें होता है कि हमारी तो सारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है, लेकिन हमारी शॉपिंग जो है वो कभी कम्प्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ जो है हमारा वो रह ही जाता है। और ये मैंने किचन पे लगाने के लिए वॉलपेपर मंगवाए थे। अच्छा, असल में जो मैंने शॉपिंग करनी थी वो इन स्पून के लिए करनी थी, इन स्पून की वजह से मेरे जहन में कि चलो मैं भी तीनों को ट्राई करती हूँ। नॉर्मली मैं आपको बताया ना, मैं अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ, और ये बड़ी मेरी एक प्यारी सिस्टर है यूट्यूबर है वो भी साहा सी, तो उन्होंने ये शॉपिंग की थी, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उनके स्पून ही मुझे बड़े ही पसंद आए थे, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवाऊंगी। तो लेकिन मैंने मंगवाने ये थे और मैंने पता नहीं क्या क्या मंगवा लिया, फिर मुझे बाद में याद आया जब हम आपस में बात कर रहे थे किसी की लाइव में, तो फिर उनका ओहो मैंने तो ये वाले स्पून मंगवाई थी और ये मैंने नहीं मंगवाया, मैंने बाकी सब कुछ मंगवा लिया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारे स्पून है, हार्ट शेप और इसमें फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। और ये मैंने एयर फ्राई बेकिंग पेपर मंगवाए थे, ये भी बहुत अच्छे से काम में एस्केलेट होता है, नीट एंड क्लीन मेरा एयर फ्राई रहता है। और ये मैंने स्पून धो के इधर ड्राई करने के लिए रख दिए, तो ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे। इसमें तीन कलर थे, ये सिल्वर, गोल्डन और एक मल्टी कलर, मल्टी कलर भी बहुत ही प्यारा था, लेकिन मैंने जो है गोल्डन कलर में मंगवाए। और इसके अलावा ये मैंने बास्केट मंगवाई थी, ये जैसे हम किचन में हैंग कर सकते हैं, किचन के सिंक में अपने स्क्रबर और स्पंज वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और ये भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। या फिर डिश वॉश करते हुए हम इस पर अपना बचा हुआ खाना भी फेंक सकते हैं ताकि सिंक ब्लॉक। और ये मैंने फिर नैनो टेप मंगवाई, ये भी बहुत ज़बरदस्त टेप है। और जो ये मैंने स्पाइस जार मंगवाए थे, ये मैंने अपनी तरफ से 2 ऑर्डर किए थे, लेकिन जब आए तो मैंने देखा ओह ये तो एक है, तो फिर मैं दोबारा जो है दूसरा भी ऑर्डर किया। और ये दोनों शेप्स में लग सकते हैं, हम इनको लंबाई के रुख भी लगा सकते हैं, चढ़ाई के रुख भी लगा सकते हैं, ये हर तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये स्टिकर था भी दिया हुआ, वो लगा के आप उसको हैंग कर सकते हो, जो येलो सी इसके साथ दी हुई है चिट सी, इसके ऊपर सॉल्ट शुगर इस तरह से चीज़ें चिली वगैरह लिखी हुई हैं, और ये लेबल भी आप लगा के रख सकते हैं ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ किसने। तो मेरा पार्सल जो है बगैर वाकिफ था आ गया, तो कोई भी चीज़ जो है डैमेज नहीं थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी।
और जो इनकी डिलीवरी है वो भी बहुत फास्ट और सेफ है। अच्छा जी, दो में याद रखें, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।